एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोज मेहता व्लॉग्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आज मैं एलोवेरा फेशियल आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए चाहिए हमें गुलाब जल, एलोवेरा जेल, कोई भी आप एलोवेरा जेल ले सकते हो मार्केट का, हनी, विटामिन ई का कैप्सूल और राइस का आटा और कच्चा दूध चाहिए और मुल्तानी मिट्टी चाहिए हमें इस फेशियल के लिए। तो आप घर पर ही एक बहुत अच्छा फेशियल कर सकते हो खुद से। तो चलिए, पहला स्टेप जो होगा हमारा क्लीजिंग। तो हम लोग फेस को क्लीजिंग करेंगे। तो क्लीजिंग के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल और मैंने उसमें मिल्क ऐड किया है। तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उसमें मिल्क ऐड करके ऐसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम फेस को क्लीन करेंगे। पहले क्लीजिंग का क्या काम होगा कि फेस पे जो भी डट्स वगैरह होंगे ना, वो रिमूव हो जाएंगे अच्छे से। दूध जो आप यूज़ करने वाले हो वो कच्चा होना चाहिए, बॉयल नहीं होना चाहिए। अगर बॉयल है तो उसे थोड़ा ठंडा होने दे, तब यूज़ करिए। एलोवेरा जेल का क्या फ़ायदा है? एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखता है। एलोवेरा जेल हेल्प होती है आपकी स्किन को शाइन देने में। तो हम एलोवेरा जेल को एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को स्किन क्रीम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आपके पास सनस्क्रीन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन के जो सूर्य की किरणें होती है ना, उनसे जलने से बचाती है, आपकी स्किन को डार्क होने से बचाती है। क्योंकि हम धूप में निकलते हैं तो स्किन में टैन हो जाती है, तो ये टैनिंग रोकने से भी हमें बचाती है। तो एलोवेरा जेल बहुत ही बेनिफिशियल है। एलोवेरा जेल में नेचुरली मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं पहले से, और उनमें एनिमो एसिड की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो इससे हमें पिंपल्स नहीं होता है। तो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर एलोवेरा जेल आप ट्राई करें रोज़ रात को। तो अभी क्लीजिंग हो गया है, मैंने फेस को अच्छे से टॉवल से साफ़ कर लिया है। तो फेशियल से पहले क्लीजिंग मस्ट है। तो आप क्लीजिंग पहले करके तब आप आगे का स्टेप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी डर्ट्स होते हैं ना, वो क्लीजिंग में बाहर आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्क्रब। तो अभी हम लोग स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, राइस आटा और मिल्क। तो इसे मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। चावल का जो आटा होता है वो आप स्क्रब के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डेड सेल्स को हटाकर नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है जो त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है। यह एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी है जो जेंटली स्किन की गहराई को, गंदगी को साफ करता है। और कच्चा दूध का क्या काम होगा? कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कच्चा दूध सुंदर चमकदार त्वचा देता है। यह त्वचा को हाइड्रेट करके स्किन के ड्राइनेस से बचाता है। इसे आप फेस मास्क के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चा दूध आपको यूज़ करना है, बॉयल मिल्क नहीं यूज़ करना है। अगर बॉयल मिल्क है तो उसे थोड़ी देर ठंडा होने दे, पूरा ठंडा हो जाए तो आप यूज़ करें इसे। कच्चा दूध को आप फेस मास्क के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे दूध में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें लैक्टोज, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और विटामिन ई, B12, डी और जिंक शामिल होता है। इसमें स्किन में कच्चा दूध लगाने से स्किन ऑयली नहीं होता है और पिंपल जैसे परेशानी से भी दूर रहता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रब कर लेना है, और स्क्रब को आपको हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारा स्किन भी छिल सकता है। क्योंकि हमारा फेस का जो स्किन होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। स्क्रब से क्या फ़ायदा होगा ना कि हमारे फेस पे जो भी डर्ट्स वगैरह होंगे ना, वो क्लीन हो जाएंगे अच्छे से और वो पोर्स भी ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ भी आपको डार्क लगे, डार्क जैसे कि आईज के नीचे डार्क सर्कल है और डार्क पैचेस है, और उसको अच्छे से वहाँ पे मसाज करना है ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए स्क्रब से। अभी स्क्रब हो गया है, मैंने एक गीले टॉवल से इसे साफ कर लिया है। इसके बाद हम मसाज करेंगे। तो ये आप देख सकते हो
जो भी डार्क्स था वो क्लीन हो गया है काफ़ी हद तक। अभी मसाज हम करेंगे तो उसमें भी नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मसाज। तो मसाज के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, हनी, विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये तीनों को मिक्स करके अच्छा सा एक क्रीम बना लेना है, उसके बाद इसे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके मसाज करेंगे। मसाज का जो स्टेप फॉलो करेंगे वो हम नेक से स्टार्ट करेंगे और हेड तक जाएंगे। तो जो भी मैंने मसाज में स्टेप बताए हैं, करने का जो तरीका मैंने बताया है वो आप फॉलो कीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपके फेस पे झुर्रियाँ आती है उसको आने से रोकता है और आपकी स्किन को टाइटन अप करता है। तो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी सिर्फ मसाज का, और सारा जो भी स्टेप है वो मैं बताऊंगी और कौन से स्टेप से क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो मैं स्टेप आपको हर एक स्टेप का मतलब मैं बताऊंगी किससे क्या फ़ायदा होता है। तो अभी मैंने मसाज स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं कैसे पहले अपने पूरे फेस पे अच्छे से क्रीम को फैला लिया है और मैं नेक से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपको स्टेप फॉलो करना है। एलोवेरा जेल का तो मैंने फ़ायदा बता दिया है, अभी मैं हनी का बता देती हूँ। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन में एक ऐसे नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है जो बाकी आप क्रीम यूज़ करके नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही नेचुरल है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो बहुत ही ये आपके फेस के लिए हनी बेनिफिशियल है। और विटामिन ई के कैप्सूल का क्या फ़ायदा है? विटामिन ई स्किन और बालों के दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। आप इसके सही इस्तेमाल से रिंकल से बच सकते हैं, फटे होठों को मुलायम बना सकते हैं, डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि स्ट्रेच मार्क को दूर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं विटामिन ई के कैप्सूल से, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल है तो रोज़ रात को आइस के नीचे आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा के सो जाइए, डार्क सर्कल बहुत हद तक आपका गायब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ, इस तरह से आपको फॉलो कर लेना है। तो मैंने जो भी स्टेप बताया है आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो देखिए क्या बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो जो भी मैंने स्क्रब क्लीजिंग जो भी बताया है आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। स्क्रब को आप 5 मिनट में क्लीन कर सकते हो क्योंकि स्क्रब हार्ड होता है, तो वो ज़्यादा देर तक करना भी ठीक नहीं है। हमारा जो फेस का स्किन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो स्क्रब 5 मिनट बहुत है। और बाकी ज़्यादा अगर टाइम देना है आपको तो मसाज में दीजिए। तो इस तरह से आपको फॉलो करते रहना है, इस तरह से आपको मसाज कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपका स्किन देखना काफ़ी ग्लो करेगा, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये तो नेचुरल है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको। तो अगर आपको कोई ये स्टेप कर देता है आपके फेस पे तो वो और फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि खुद से करना थोड़ा इजी नहीं होता है। अगर कोई और करता है आपके फेस पे ये सारे स्टेप तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं मसाज करके अभी गीले टॉवल से साफ़ कर लूँगी। तो ये मैंने गीले टॉवल से साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं फेस मास्क लगा लूँगी। तो फेस मास्क वो भी बहुत ज़रूरी है, तो चलिए अभी फेस मास्क यूज़ कर लेते हैं। फेस मास्क के लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर लिया है। मुल्तानी मिट्टी से क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको सनबर्न प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ वाटर का क्या बेनिफिट है? जैसा कि आप लोगों को पता है रोज़ वाटर का यूज़ प्राचीन काल से किया जा रहा है। रोज़ वाटर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। गुलाब जल का अगर नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके त्वचा को न सिर्फ हाइड्रेट रखता है बल्कि ये चेहरे के निखार को बढ़ाने में भी मदद करता है। रोज़ वाटर के और भी कई सारे फायदे हैं, तो इस तरह से आप
पूरा फेशियल का स्टेप फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से अपने चेहरे को चेहरे में एक जान ला सकते हैं। तो अभी हो गया है पूरा फेशियल, तो लास्ट में मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, मैं रोज़ वाटर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो लास्ट में एलोवेरा जेल एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में फेस को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। और हाँ, फेशियल करने के बाद आप धूप में ना जाएं, धूप में जाने से बचें थोड़ी। और फेशियल करने के बाद उस दिन आप साबुन वगैरह फेस वॉश ना यूज़ करें, कल होके करें, तो आप देखिए आपके फेस पे कैसे निखार आता है। तो इस तरह से आपको फॉलो कर लेना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।